आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.7 की। एक्सरसाइज 12.7 में हमारे पास है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हमारे पास है थ्री वेक्टर्स की जो है प्रोडक्ट दे रखी है। अब थ्री वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और सेकंड हमारे पास होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। अब उसके बाद हम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी से। और जो हमारे पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर्स को, ए बी और सी। अब इसको हम डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, यहाँ पर ए वन का आई का कोफिशेंट, यहाँ पर ए टू, यहाँ पर ए थ्री, बी वन बी टू और बी थ्री, सी वन सी टू और सी थ्री। जो भी ए वन ए टू ए थ्री हैं ये आई का कोफिशेंट, ये जे का, ये के का, ये बी में आई का, जे का, के का, ये सी में हमारे पास सी वन सी टू सी थ्री, इनके जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर दीजिए, आपके पास जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है बन जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी सी, ये जो हमारे पास ए बी सी है हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ए बी सी है तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी ए, तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं सी ए बी, और एक हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी है ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है जो ए क्रॉस बी प्लस सी है हमारे पास, इसको जो है हम चेंज करके लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी में जो है लिख सकते हैं। उसके बाद कोप्लेनरिटी की हमारे पास जो है बात करते हैं हम, थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे अगर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो है तो। उसके बाद एक फॉर्मूला इसमें है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का हमारे पास फॉर्मूला है 1/6 इंटू ए बी सी, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। क्वेश्चन नंबर वन है कि फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमने निकालना है जहाँ पर ए की वैल्यू है 2i-3j, बी की वैल्यू है i+j-k और सी की वैल्यू है 3i-k। अब हमें निकालना है ए बी सी यानी कि डिटर्मिनेंट, यह आ जाएगा 2-3 0, 1 1-1, 3 0-1। अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो आपके पास 4 आंसर मिलेगा। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आप इवेलुएट कीजिए आई जे के प्लस आई के जे को, इसको जो हमने इवेलुएट करना है। अब जो है हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के तरीके से भी कर सकते हैं और हम जो है वैसे भी कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डॉट जे क्रॉस आई, इसको हम लिख सकते हैं क्या ए क्रॉस बी डॉट सी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अब आई क्रॉस के और डॉट जे। अब आई क्रॉस जे की वैल्यू होती है के इंटू के, और आई क्रॉस के की वैल्यू होती है -j डॉट जे, तो ये के क्रॉस के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की 1, तो ये -1=0 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप डिटर्मिनेंट से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या है आई जे के है, एक ए हमारे पास सिर्फ आई है यानी कि 1 0 0, ये जे है यानी कि 0 1 0, ये के 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आई है तो 1 0 0, ये के है तो 0 0 1, जे है 0 1 0, तो इसको आप ओपन करेंगे तो इससे फर्स्ट से ये कैंसिल 0-1, यानी कि इसका आ जाएगा -1, इसका +1, तो कैंसिल हो गया 0। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि आई जे के इज इक्वल टू जे के आई, और इज इक्वल टू हो जाएगा के आई जे इक्वल टू 1 के इक्वल। वही आप डिटर्मिनेंट के तरीके से भी ओपन कर सकते हैं इसको। इसको आप क्या लिख सकते हैं आई क्रॉस जे और डॉट के भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे की वैल्यू के और के डॉट के की वैल्यू 1, इसी तरीके से जे क्रॉस के की वैल्यू आई, आई डॉट आई 1, इसी तरीके से के डॉट आई की जे और जे क्रॉस जे डॉट जे की वैल्यू 1। अब आप थर्ड का सेकंड पार्ट कहता है कि आई के और जे इज इक्वल टू के जे आई इक्वल टू
जे आई और के, इसको हमने माइनस वन के इक्वल पुट करना है। इसको आप लिख सकते हैं आई क्रॉस के डॉट जे, आई क्रॉस जे की होती है माइनस जे डॉट जे, यानी कि माइनस वन। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं के क्रॉस जे को माइनस के और जे को, क्रॉस जे को आप लिख सकते हैं माइनस आई, तो ये आई हमारे पास आई डॉट आई माइनस वन, तो ये जे क्रॉस आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, तो माइनस के इंटू के माइनस वन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, हमने पैरेलल पाइप का एरिया बताना है। पैरेलल पाइप का एरिया हमारे पास होता है सिंपली ए बी और सी निकालते हैं हम, तो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2i माइनस 3j और प्लस 4k, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है i प्लस 2j माइनस k, सी की वैल्यू गिवन है 3i माइनस j प्लस 2k। तो आप इसको निकाल सकते हैं ए बी सी को, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 4, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 2। अब आप इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो आपके पास डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद जो है वैल्यू आ जाएगी 7, वैसे तो माइनस 7 आ जाएगी, लेकिन जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है ये नेगेटिव में नहीं आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कर देते हैं, तो 7 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। वॉल्यूम है तो क्यूब में जाएगा, अगर एरिया होता तो हम स्क्वायर लगाते हैं, ये आपने यूनिट जो है बिल्कुल ध्यान से लिखनी है। उसके बाद आप इसका सेकंड थर्ड पार्ट सेम एज ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हुज एजेस आर, एजेस दे रखे हैं ए इक्वल टू माइनस 12 आई प्लस लैम्बडा के, बी की वैल्यू हमारे पास है 3j माइनस के, सी है हमारे पास 2i प्लस j माइनस 15 के। कहता है कि वॉल्यूम जो हमारे पास है वो गिवन है 456 क्यूबिक यूनिट, तो हमने लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं, ए बी सी निकालिए आप, माइनस 12 0 लैम्बडा 3 0 माइनस 1 2 1 माइनस 15 इक्वल टू 546। अब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर सकते हैं, इससे करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस वन से तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 12 माइनस 3 लैम्बडा इक्वल टू 546, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्बडा माइनस 12 इज इक्वल टू 546, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा 8 और 2, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक मिनट गलती कर दिया, हाँ नहीं गलती कर दिया है, ये हमारे पास ये कैंसिल एक मिनट, 3j है भाई ये, सॉरी यहाँ पर 3i नहीं 3j है, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अगेन करते हैं माइनस 12 0 लैम्बडा 0 3 माइनस 1 2 1 माइनस 15, ये वैल्यू हमारे पास है 546 की, तो इसको लिख सकते हैं, इससे ओपन करेंगे तो माइनस 12 इंटू माइनस 45 प्लस 1 प्लस लैम्बडा 0 माइनस 6 इक्वल टू 546, ये आ जाएगा 528 और माइनस 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 546, और यहाँ पर आपके पास माइनस 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 18, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शो दैट द वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर की कंडीशन हमारे पास थी अगर हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो आ जाए या ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी। अब इसका मतलब अगर ए बी सी ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो कोप्लेनर होंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है ए इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस के, और बी हमारे पास दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 7k, सी हमारे पास दे रखा है 5i प्लस 6j माइनस 5k, तो ये आपने निकालना है ए बी सी इज इक्वल टू ये 1 2 1 3 2 माइनस 7 और 5 6 माइनस 5। इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सेकंड और थर्ड देखना है, अगर ये 0 आ जाता है तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की, क्वेश्चन नंबर 7th कहता है कि लैम्बडा की वैल्यू निकालिए अगर फॉलोइंग वेक्टर आपके पास कोप्लेनर है तो। फर्स्ट हमारे पास है ए, ए इज इक्वल टू आई प्लस टू जे माइनस 3k, बी की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस जे और प्लस 15k, सी की वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस लैम्बडा जे प्लस 5k। अब ये हमारे पास अगर कोप्लेनर है तो इसका मतलब ए बी सी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट जो हम ओपन करेंगे तो ये 0, यहाँ से आप डिटर्मिनेंट को ओपन कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 15 लैम्बडा
माइनस टू इंटू टेन माइनस 45 माइनस थ्री इंटू टू लेमडा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को सोल्व कर सकते हैं, उसमें भी लेमडा की वैल्यू निकालनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शो दैट 4 पॉइंट्स हैव पोजिशन वैक्टर। चार पॉइंट हैं उनके पोजिशन वैक्टर हैं, कोप्लेनर दे रखे हैं। तो इसका मतलब कैपिटल ए पॉइंट दे रखा है 4i प्लस 8j प्लस 12k, बी हमारे पास दे रखा है 2i प्लस 4j प्लस 6k, सी हमारे पास दे रखा है 3i प्लस 5j प्लस 4k, और डी जो हमारे पास दे रखा है 5i प्लस 8j प्लस 5k। अब ये कोप्लेनर हमारे पास जो है दे रखे हैं। अब हम निकालते हैं, ए बी निकालना होता है हमें, ए सी और ए डी, और हमें निकालना है ए बी ए सी और ए डी का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है वो जीरो जो है इसने दे रखा है, क्योंकि ये कोप्लेनर है। मतलब कि शो करनी है कि ये कोप्लेनर, तो इसका मतलब हमें निकालना है कि ये वैल्यू जो है जीरो आएगी। ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए, यानी कि हमारे पास माइनस टू आई माइनस फोर जे माइनस सिक्स के। ए सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई माइनस थ्री जे माइनस एट के। ए डी की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस सेवन के। अब आप ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए आपके पास माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस वन माइनस थ्री माइनस एट वन जीरो सेवन। इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा और ये जो है कोप्लेनर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है इसी पार्ट एट का ही हमारे पास सेकंड पार्ट जो है सेम, उसमें भी ऐसे ही हमने जो है ए बी ए सी और ए डी जो है निकालने हैं। चार पॉइंट है और उसकी वैल्यू देख लेंगे, जीरो आएगी क्या, जीरो आ गई तो हम कह देंगे कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं जो नाइन्थ क्वेश्चन है, अभी नाइन्थ क्वेश्चन में बिल्कुल एट्थ के समान ही है क्वेश्चन। उसमें भी चार पॉइंट दे रखे हैं आपके पास ए बी सी और डी, और पूछा है कि आर नॉट कोप्लेनर, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आ जाएगा और आप बता देंगे कि वो नॉट कोप्लेनर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ की। क्वेश्चन नंबर टेंथ कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट फोर पॉइंट्स विद द फॉलोइंग पोजिशन वैक्टर आर कोप्लेनर। अब इसने फोर पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि ए दे रखा है माइनस सिक्स आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, बी हमारे पास दे रखा है ये है थ्री आई प्लस लेमडा जे और प्लस फोर के, सी हमारे पास दे रखा है फाइव आई प्लस सेवन जे प्लस थ्री के, और डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस थर्टीन आई प्लस सेवनटीन जे माइनस के। कहता है कि लेमडा की वैल्यू निकालिए, अगर ये कोप्लेनर है तो, कोप्लेनर है तो ए बी चाहिए, ए सी चाहिए और ए डी चाहिए। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नाइन आई प्लस लेमडा माइनस थ्री जे और प्लस टू के, और ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इलेवन आई प्लस फोर जे और प्लस के, ए डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन आई प्लस फोर्टीन जे और माइनस थ्री के। अब हमने निकालना ये कोप्लेनर है, तो इसका मतलब ए बी ए सी और ए डी की जो वैल्यू हमारे पास वो जीरो होगी, यानी कि नाइन लेमडा माइनस थ्री टू इलेवन फोर और वन माइनस सेवन फोर्टीन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नाइन इंटू माइनस ट्वेंटी सिक्स और माइनस लेमडा माइनस थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी सिक्स और प्लस टू इंटू वन एटी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस नाइन प्लस लेमडा माइनस थ्री और प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, ट्वेंटी सिक्स जो है कॉमन हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका सेकेंड पार्ट भी आप सेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ की। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए बी सी डी आर कोप्लेनर। अब इसने ए पॉइंट जो है वो दे रखा है थ्री टू वन और बी पॉइंट हमारे पास है फोर एक्स और फाइव और सी हमारे पास पॉइंट है फोर टू माइनस टू, डी हमारे पास एक पॉइंट है सिक्स फाइव फोर माइनस वन। अब ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं, तो इसका मतलब पहले ए वैक्टर यानी कि थ्री आई प्लस टू जे प्लस के, बी की वैल्यू आ जाएगी फोर आई प्लस एक्स जे प्लस फाइव के, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर आई प्लस टू जे माइनस टू के, और डी की वैल्यू हमारे पास सिक्स आई प्लस फाइव जे और माइनस के। तो अब जो है इसके बाद हम निकालेंगे ए बी, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी की निकाल देंगे और ए डी की निकाल देंगे। ए बी की हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी आई प्लस एक्स माइनस टू जे और प्लस फोर के,
और ए सी की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस थ्री के, ए डी की आ जाएगी थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस टू के। अब कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, तो हम निकालेंगे ए बी ए सी और ए डी इज इक्वल टू ये वन एक्स माइनस टू फोर वन जीरो थ्री 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 माइनस टू, ये माइनस थ्री है भाई, इक्वल टू जीरो। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास फाइव आ जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ कहता है कि प्रूव दैट फॉर एनी टू वैक्टर्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो वैक्टर्स हैं, और कहता है ये प्रूव कीजिए कि ए ए बी इक्वल टू जीरो एंड ए बी बी इक्वल टू जीरो, जीरो है इज, तो कहता है कि बी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जब जब हमारे पास सेम जो है वैल्यू हो जाएंगी तो ये डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आ जाता है। अब कैसे, देखो इसको हम करते हैं, ये आ जाएगा ए ए और बी। अब इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए डॉट बी। अब सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है, इसी तरीके से ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम ए डॉट, इसको हम ए डॉट बी क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास जीरो हो गए, हम बात करते हैं बी डॉट ए क्रॉस बी की। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम अल्टीमेट लिख तो ये सकते ही हैं बी ए बी। अब साइक्लिक चेंज कर सकते हैं, ए बी बी ए बी बी इसको लिख सकते हैं साइक्लिक चेंज, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा ए बी और बी, और इसका मतलब दो सेम आ गए तो अगेन हम कह सकते हैं कि जीरो होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस बी, अब ये जीरो होता है यानी कि ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास जीरो प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन की। क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कहता है कि प्रूव कीजिए कि हमारे पास जो है ए बी सी जो हैं ये कोप्लेनर हैं। आपने प्रूव करना कि ये कोप्लेनर है, लेकिन कब, इफ़ एंड ओनली इफ, कि अगर ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए अगर कोप्लेनर है तो इफ एंड ओनली इफ है। तो हम लेके चलते हैं कि जो ए बी सी है हमारे पास ये कोप्लेनर हैं, अगर कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब ए बी सी इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो है तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये जीरो। अब ये जीरो है तो आप इसको जो है इसको ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, टू ए बी सी को इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं, चलो इसको लेके चलते हैं। ये हमारे पास है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसको लेके चलते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और डॉट ये, तो यानी कि ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं सी प्लस ए से। अब ये हमारे पास ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको इससे प्लस बी क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी, सबकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास सी प्लस ए के साथ है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, अब जो बी क्रॉस बी है वो तो जीरो होता है, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस सी, और इस सब की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है सी क्रॉस ए से, नहीं सी प्लस ए से। तो अब सी के साथ इनकी करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा, प्लस ये हम करेंगे इसको, ये तो था ए क्रॉस बी की सी के साथ है, अब ए क्रॉस बी की ए के साथ भी होगी, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस सी की करेंगे, ए क्रॉस सी की डॉट सी से प्लस ए क्रॉस सी की ए से प्लस बी क्रॉस सी की बी से, नहीं ए से, ए है ना ये, हाँ सी प्लस ए है, तो सी से प्लस बी क्रॉस सी की ए से। अब जहाँ जहाँ सेम है दो वेक्टर वहाँ पे जीरो। अब ये तो ए क्रॉस बी डॉट सी है, ठीक है बिल्कुल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये जीरो यहाँ पे, ये सी सेम हो गया तो जीरो, यहाँ पर ए सेम है तो जीरो, यहाँ पे सी सेम है जीरो, इसको लिख सकते हैं बी सी ए, तो प्लस इसको ए बी सी लिख दो बी सी ए, अल्टीमेटली साइक्लिक चेंज कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यानी कि टू ए बी सी जो हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमने प्रूव करना था।
अब हम बात करते हैं सो एक्सरसाइज जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।